guys, welcome to today's video and welcome to our YouTube channel Hope You're Doing Good Guys. So today's video is going to be a Shein haul video and काफी time के बाद मैं Shein haul कर रही हूँ. Last मैंने winters wear किया था Shein पे and उसके बाद frankly मैंने Shein से shopping नहीं करी थी. मैं Shein से बहुत ज़्यादा shopping करती हूँ and मैं Shein के कपड़े बहुत ज़्यादा wear करती हूँ. Shein हमेशा check करती थी and बहुत ही trendy tops you know new collections में दिखते थे and मैं wait कर रही थी कि कब winters जाएगी और कब मैं shop करूँगी Shein से. जैसे सर्दी कम हुई मैंने बहुत सारे कपड़े ऑर्डर कर दिए हैं Shein से. बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश टॉप अभी ट्रेंड में है तो आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. मैं बहुत टाइम के बाद अपना Shein हॉल शेयर कर रही हूँ एंड विंटर्स अब जा रही है सो बहुत ज्यादा बोर भी हो गई थी जैकेट स्वेटर्स के साथ. सो अब टाइम आ गया है कि जितने भी स्टाइलिश टॉप्स लिए हैं उनको स्टाइल करो और ये वेदर थोड़ा सा इंजॉय करो. बात तो गर्मी थोड़े टाइम के बाद जान लेने वाली है बट अभी का टाइम है. अच्छे अच्छे स्टाइलिश टॉप इस वेदर में आप आराम से मार्च तक इंजॉय कर सकते हैं. आराम से इस वेदर को इंजॉय कीजिए एंड ये वीडियो को इंजॉय कीजिए. सो बहुत लोगों की क्वेरी आती है कि Shein में साइज उन्हें सेलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो आप किस तरीके से शॉपिंग करते हो. सो मैंने आज तक जितने भी क्लोथिंग आइटम्स Shein से मंगाई है मुझे 99% करेक्ट साइज मिली है. 1% ही ऐसा मेरे साथ हुआ है जो साइज यू नो कभी बड़ा या छोटा हो जाए. तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से साइज सेलेक्ट करती हूँ. तो आप शॉपिंग करते हो तो बहुत सारे रिव्यूज आपको मिलते हैं राइट. सो वो रिव्यूज देख के आपको बहुत आइडिया लग जाता है कि कपड़े किस तरीके से दिखती है. तो रिव्यूज पढ़ के कपड़े सेलेक्ट करने में बहुत हेल्प होती है. मैंने कभी भी रिव्यूज पढ़ के अपनी साइज को सेलेक्ट नहीं करा है. मैं हमेशा Shein के साइज चार्ट के अकॉर्डिंग ही अपना साइज सेलेक्ट करती हूँ. मैं कभी भी रिव्यूज के अकॉर्डिंग साइज नहीं सेलेक्ट करती हूँ. जब भी आप किसी कपड़े पे क्लिक करते हो वहां पे आपको जितने भी साइज मिलते हैं स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल तो जिस भी साइज पे आप क्लिक करोगे वहां पे आपको आपके बस्ट वेस्ट एंड शोल्डर सबकी साइज वहां पे मेंशन हो जाएगी. जो भी मेरा बस्ट का साइज है एंड शोल्डर साइज है वेस्ट साइज है मैं वही साइज को हमेशा पिक करती हूँ. लाइक ये जरूरी नहीं है कि स्मॉल साइज हमेशा Shein के साइज चार्ट में सेम हो या मीडियम सेम हो या लार्ज सेम हो क्योंकि साइजेस जो उनके बहुत ही डिफरेंट होती है. आप हमेशा अपने बस्ट शोल्डर और वेस्ट साइज पे ध्यान दें. लाइक अगर मेरा मैं हमेशा सेलेक्ट करती हूँ 33 बस्ट एंड 15 शोल्डर एंड 28 वेस्ट साइज तो वो आपको मीडियम में भी मिल सकता है एंड किसी किसी पे तो लार्ज पे भी मिल सकता है. तो वो चीज हमेशा साइज पे जब भी आप क्लिक करोगे आपको साइज मिल जाएगी एंड इस तरीके से मैं हमेशा साइज सेलेक्ट करती हूँ एंड 99% मेरी साइज जो है हमेशा सही हुई है. सो इस तरीके से आप अपनी भी साइज सेलेक्ट कर सकते हैं. और ये हमेशा अगर आप स्मॉल पहनते हैं तो ये मत कीजिए कि आप स्मॉल आपने सेलेक्ट कर लिया या मीडियम पहनते हो तो मीडियम सेलेक्ट कर लिया. कभी कभी मेरा साइज स्मॉल है बट कभी कभी मुझे एक्सेस में भी वो साइज मिल जाती है और कभी कभी मुझे लार्ज भी खरीदना पड़ता है. बट Shein के जो साइज चार्ट वहां पे मेंशन होती है वो बिल्कुल करेक्ट होती है. मेरी हमेशा सही हुई है. और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना नहीं भूले. लाइक करने से बहुत मोटिवेशन मिलती है सो प्लीज लाइक जरूर कर दें. ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें. कमेंट में जरूर से बताएं कि आज के हॉल में कौन सी टॉप अच्छी लगे. नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो. सो मैं फर्स्ट टॉप शुरू करती हूँ जो मेरी फेवरेट है इस हॉल में एंड कुछ इस तरीके से ब्लैक एंड पिंक कलर की. ये बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस टॉप है एज यू कैन सी. और मटेरियल इसका यहाँ पे सैटन है एंड यहाँ पे ब्लैक वाली पॉलिस्टर मटेरियल है. इसमें मेरा साइज स्मॉल है एंड कुछ इस तरीके से इसकी स्लीव्स है लाइक ये देखिए. सो इस तरीके की जो स्लीव्स है बहुत सारे फैशन ब्लॉगर को वेयर करते हुए देखा होगा आपने क्योंकि बहुत इन है इस तरीके की स्लीव्स एंड ये टॉप इन दिनों. ये मुझे मिली है ओनली 550 रुपीज की सारे वॉचेस वगैरह लगाने के बाद. 550 रुपए में आपको इतनी ट्रेंडी टॉप मिल रही है. मुझे बहुत ज्यादा ये टॉप पसंद आई सो मैं इसे 100% ही 200% रिकमेंड करूंगी. तो ये जो सैटन मटेरियल है ये बहुत अच्छी बहुत हाई क्वालिटी की मटेरियल है मुझे पसंद आई. बट ये जो ब्लैक वाली पॉलिस्टर है वो बहुत सुपर फाइन नहीं है बट बुरी मटेरियल भी नहीं है बीच का एवरेज मटेरियल है. सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी. अगर आपको ये मिलती है तो प्लीज ग्रैब कर लीजिए. The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Stop this conversation. Stop this conversation. We got no relation. My next item is this wrap
ने एक सैटिन ब्लाउज एंड ब्लश पिंक कलर की बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज है ये, एंड ये डिजाइन पैटर्न भी बहुत इन है दीस डेज, बहुत ही ज्यादा स्टाइल, बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है ये ब्लाउज। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसकी नेकलाइन है, लेयर अप बनी हुई है यहाँ पे, एंड कुछ इस तरीके से इसकी स्लीव्स है। बट शीन के पेज में मुझे इसकी जो स्लीव्स थी वो बहुत डिफरेंट लगी, लाइक बैलून स्लीव्स थी, बट यहाँ पे स्लीव्स ऐसे पफ वाली मुझे मिली है, आई डोंट नो व्हाई। इसके पास आपको यहाँ तक जिप मिल रही है क्योंकि रिस्ट के पास ये बहुत ज्यादा टाइट हो रही है इसलिए, एंड बैक पे आप देख सकते हैं ये पूरी जिप है, एंड पेपलम डिजाइन की ये टॉप है कुछ इस तरीके से, तो काफी लॉन्ग हो रही है, एंड आप चाहें तो इसे इन करके भी वेयर कर सकते हैं। इस स्टाइल का रहा ब्लैक पैंट के साथ जो कि मैंने H&M से ली है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी मिल जाएगी। शीन के पेज में इसकी जो नेकलाइन है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ओके, बट जब मुझे ये रिसीव हुई तो लाइक ये कुछ इस तरीके से है, ये बनी भी नहीं है, एंड मुझे कुछ इस तरीके से ये निकली हुई है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से पिन लगा के इसे वेयर कर लिया है। पैटर्न मटेरियल है इसका, मटेरियल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ऑसम मटेरियल है, एंड क्योंकि ये टॉप बहुत इन है दीस डेज तो आप इसे 100% बाय कर सकते हैं। इस पे और भी कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे, लाइक एक रेड या मरून कलर है इस पे, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे कुछ ऐसे ब्लश पिंक पे चाहिए था सो मैंने ये वाली मंगाई। पहनने के बाद ये बहुत ज्यादा लाइट वेट लग रही है, एंड सेम टाइम पे बहुत ज्यादा क्लासी एंड स्टाइलिश भी लग रही है, सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी। नाइट पार्टीज वगैरह में ये बहुत अच्छी लगने वाली, इस पे मेरा साइज स्मॉल है। Running away from you, I've been trying, trying, trying to keep my cool. Eyelash less trim split himself built in mixed media top. इतनी लंबी इस टॉप का नाम है जो कि मुझे याद नहीं रहने वाली थी। So, कुछ इस तरीके से ये लॉन्ग टॉप है, बहुत ही लॉन्ग टॉप है। मैं इसकी लेंथ पहले आपको दिखा दूं, कुछ इतनी लंबी टॉप है पूरी। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये पूरा सैटिन मटेरियल है, बहुत ही ज्यादा, लाइक पिक्चर में ये जस्टिस नहीं हो पा रही, बट बहुत ज्यादा सॉफ्ट और बहुत रिच मटेरियल है इसकी, एंड स्लीव्स आती है ये कुछ इस तरीके से, बैलून स्लीव्स है इसकी यहाँ पे, एंड यहाँ पे इलास्टिक बनी हुई है और ये पूरी नेट लगी हुई है, तो स्लीव्स आपको बहुत लॉन्ग होंगे, लाइक आपके हाथ में इतनी आने वाली है। सो ये जो इलास्टिक की हेल्प से आप उसको थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके की इसकी नेट है, और नेट की जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। फ्रंट से ये पूरी ओपन टॉप है, स्लिक टॉप है, एंड बेस्ट पार्ट है कि ये एक लॉन्ग लेयर आपको दिख रही है, एंड उसके ऊपर से ये पूरी शॉर्ट लेयर है जो कि पूरे टॉप में कुछ इस तरीके से है। सो बैक में भी ये पूरी शॉर्ट लेयर है, एंड ये फ्रंट पे भी पूरी शॉर्ट लेयर है। सो सिंगल लेयर भी इतनी स्टाइलिश नहीं लगती जितना ये डबल लेयर के साथ स्टाइलिश लग रही है, इस वजह से मुझे टॉप बहुत अच्छी लगी। इसके साथ आती है क्लोथिंग मटेरियल वाली बेल्ट, इसे हॉट पैंट के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, और स्कर्ट के साथ भी, शॉर्ट स्कर्ट के साथ भी कर सकते हैं, जीन्स के साथ भी कर सकते हैं। सो बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश टॉप है, एंड जिनको भी लॉन्ग टॉप पहनना पसंद है थोड़ी कुर्ती स्टाइल की, उनके लिए परफेक्ट है। इस पे मेरा साइज मीडियम है, मुझे थोड़ी सी लूज हुई, इस पे अगर मैं स्मॉल मंगाती तो ज्यादा अच्छी फिटिंग होती है इसकी, मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी। मेरी सेकंड फेवरेट टॉप है इस हॉल में, एंड ये रस्ट ऑरेंज कलर की टॉप है, बैलून स्लीव्स है इस पे कुछ इस तरीके से, नेकलाइन कुछ इस तरीके से है जो कि देखने में बहुत डीप लग रही है, बट पहनने के बाद इतनी डीप ये नहीं लग रही है, एंड बैक कुछ इस तरीके से, आपको पूरी इलास्टिक मिलेगी जो कि बहुत ही अच्छी फिटिंग दे रही है इस टॉप को, एंड मटेरियल इसका सैटिन है, मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देती हूँ। सो मटेरियल काफी अच्छी है, एंड फ्रंट के साइड पे आपको यहाँ पे दो इलास्टिक मिल रही है कुछ इस तरीके से, जिसे आप खींच कर जितना
जितना भी साइज पे चाहे आप छोटा कर सकते हैं, लाइक इसे क्रॉप टॉप भी आप बना सकते हैं। एंड पहनने के बाद ये बहुत ज्यादा गॉर्जियस लुक दे रही है और इस पे मेरा साइज स्मॉल है जो कि मुझे बहुत अच्छी फिटिंग आई। और वैसे मैं टॉप हमेशा मीडियम साइज ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी लूज फिटिंग चाहिए होती है, बट अगर जब भी आप ऐसे नेकलाइन का टॉप ले तो मेक श्योर आप अपना साइज ही खरीदे। अगर साइज हो गए तो यहाँ से शोल्डर नीचे गिरना शुरू हो जाती है, सो इस वजह से मैंने इस पे स्पॉली मंगाया। एंड यू कैन सी बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस टॉप है, हाईली रिकमेंड करूंगी मैं इसे। बेल्टेड टॉप के जो टॉप्स के नाम होते हैं वो कुछ इतने लंबे होते हैं, सो कुछ इस तरीके से ये टॉप है वाइट कलर की एंड बहुत ही खूबसूरत डॉट डॉट इस पे ये थ्रेड वर्क बनी हुई है जो मैं बहुत क्लोजअप से आपको दिखा रही हूँ। एंड ये फ्रंट पे रफल्स बने हुए हैं नेकलाइन पे एंड बैक के साइड भी आपको नेकलाइन पे सेम रफल्स मिलेगी एंड बेल्ट स्लीव्स के साथ है, तो इसकी स्लीव्स मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगी। ये लॉन्ग टॉप है, लाइक आपकी हिप बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी इस पे। और मटेरियल पॉलिस्टर है, सो मटेरियल इसका बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, रिच लुक वाली मटेरियल है इसकी। इस पे मेरा साइज मीडियम है और बहुत ही सी थ्रू टॉप है, लाइक पूरी ट्रांसपेरेंट टॉप है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से ट्रांसपेरेंट टॉप है, तो इस पे कैमिसोल स्पेगेटी वगैरह आपको 100% वेयर करनी पड़ेगी। एंड इसके साथ आती है सेम बेल्ट जो कि सेम मटेरियल से बनी हुई है, कुछ इस तरीके से देखने में बहुत स्टाइलिश लग रही है। मैंने सिर्फ स्टाइल करा ब्लैक बॉटम के साथ, जो कि स्पेशली मैंने उसी बॉटम के लिए टॉप मंगाई थी। जो बॉटम वेयर है वो पीछे से लाइक हिप के पास बहुत टाइट होती है, अगर आप उसे शॉर्ट टॉप में पहनोगे तो पीछे से लाइक हिप आपकी बहुत वल्गर दिखती है। सो उसके साथ मुझे कुछ लॉन्ग टॉप चाहिए था जो सेम टाइम पे बहुत स्टाइलिश भी हो। मुझे बेस्ट टॉप मिली है उसके साथ पेयर करने के लिए, जिसपे आपकी हिप इजिली कवर हो जाएगी एंड सेम टाइम आप बहुत स्टाइलिश भी रहोगे। मैं इसे रिकमेंड करूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है और बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, लाइक अभी आप इसे फील नहीं कर सकते, बहुत सॉफ्ट है एंड बहुत क्लासी है। पूरी बोहो टॉप है, आप इसे सिल्वर ज्वेलरीज के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, स्कर्ट के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप किसी बीच पे जा रहे हैं तो एज अ कवर अप भी यूज कर सकते हैं एंड हॉट पैंट के साथ भी आप इसे स्टाइल कर सकते हैं, तो बहुत तरीके से आप इसे स्टाइल कर सकते हैं, तो मैं इसे रिकमेंड करूंगी। एंड कुछ इस तरीके से इसकी नेकलाइन है, सो यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्लीवेज नजर आएगी, आपको अगेन स्पेगेटी वगैरह वेयर करनी पड़ेगी। एंड कुछ इस तरीके से इसकी प्लीट्स बनी हुई है पूरे टॉप पे एंड इसकी लेंथ आती है इतनी, लाइक इतनी लेंथ है। ये कुर्ती की तरह भी लुक आपको देगी, अगर आप जीन्स पे वेयर करोगे तो एक कुर्ती भी लगेगी ये। इसकी स्लीव्स ये बलून स्लीव्स है जो कि बहुत ज्यादा इन है इन दिनों। मटेरियल इसका पॉलिस्टर है, अगेन मटेरियल बहुत सॉफ्ट है एंड कुछ इस तरीके से इसकी मटेरियल है। इस पे मेरा साइज मीडियम है एंड फ्रेंकली जब मुझे रिसीव हुई थी तो मुझे उतनी पसंद नहीं आई थी ये, क्योंकि बहुत ही अजीब सी ये लग रही थी, लॉन्ग कुर्ती टाइप मैंने कुछ मंगा लिया है। बट इसको जैसे मैंने वेयर करा और जिस तरीके से मैंने स्टाइल करा तो बहुत ही ज्यादा सुपर क्लासी लगी ये। सो ऑलवेज मैटर करता है कि आप किस तरीके से टॉप को स्टाइल करते हैं, किस तरीके से ट्रेंडी लुक देते हैं, सो उस पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप ये टॉप को एक सिंपल जीन्स के साथ पहनेंगे तो ये सिंपल कुर्ती भी लगेगी, और ये टॉप को आप हाई वेस्ट जीन्स में इन करके पहनोगे तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंडी और बहुत स्टाइलिश लगेगी। सो डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से स्टाइल करते हैं एंड मैं इसे भी रेकमेंड करूंगी क्योंकि इसकी जो प्लीट्स इस तरीके से बनी हुई है ना, बहुत ऑसम लग रही है। सिंपल जीन्स के साथ भी आप वेयर करें तो भी अच्छी लगेगी एंड मैंने इसे स्टाइल करा है रेड स्कर्ट के साथ एंड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई ये लुक।
ये बैग और बहुत ज्यादा इन है ये बैग भी अभी इन दिनों. साइड बैग है लाइक बहुत टाइम पहले इस तरीके के बैग्स बहुत ज्यादा चलती थी. अभी भी आपके घर में लाइक मम्मीज के पास ये पुरानी बैग इस तरीके की जरूर होगी. साइड बैग अभी इस तरीके से बहुत ज्यादा इन है एंड शीन में बहुत अच्छे प्राइस में भी आपको मिल रही है. सो मैंने ये एक ब्लैक मंगाया है एंड इसका सेम मैंने एक ब्राउन मंगाया जो अभी मेरे पास नहीं है बट मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो आप एक बार चेक कर लें. सो प्राइस में थोड़ी सी डिफरेंस है. लाइक मुझे 500 की मिली है एंड वो ब्राउन वाली 700 रुपीज की मिली है. मैं वीडियो यहाँ पे ब्राउन वाली की अटैच कर दूंगी इसके बाद, सो आप देख लें वहां पे. एंड अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों की तो 200 रुपये उसकी ज़्यादा लग रही है बट वो ज़्यादा स्टडी है कंपेयर टू दिस. मुझे दोनों पसंद आई. ये ब्लैक वाली भी मुझे बहुत अच्छी लगी एंड वो ब्राउन वाली भी बहुत अच्छी लगी. सो मैं दोनों को रिकमेंड करूँगी क्योंकि उस पर 200 ज़्यादा लग रही है तो ऑब्वियस थोड़ी सी क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी. एंड 500 के अकॉर्डिंग ये भी बहुत अच्छी है एंड मोस्टली स्टॉक आउट ही रहती है शीन में. मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी बट स्टॉक में नहीं थी, जैसे आई मैंने ले लिया. सो चेक करते रहे, अगर पसंद आए तो विशलिस्ट में रखें, स्टॉक में ये आती जाती रहती है. आपको मेरा शीन हॉल पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे.